जिन आयुष स्टूडेंट का 20 दिसंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको नेशनल एग्जिट टेस्ट नहीं देना है। वॉइस डॉक्टर्स, आज हम इस वीडियो में आज एक न्यू नोटिफिकेशन आया है जो कि 25 जनवरी 2024। तो इस नोटिफिकेशन में भी नेक्स्ट के रिगार्डिंग ही पूरा उन्होंने बताया है एग्जामिनेशन के ही बारे में। तो मैं आपको बताता चलूं कि नेक्स्ट के रिगार्डिंग एक न्यू गैजेट भी आया था जो कि 20 दिसंबर 2023 को आया था। उस गैजेट में नेशनल एग्जिट टेस्ट और NTET और ऑल इंडिया आयुर्वेद पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में भी उन्होंने बताया था। तो इसके जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया था, फिर भी मैं उसके बारे में कुछ आपको बताता चलता हूँ कि जैसे उन्होंने बताया था कि 20 दिसंबर 2023 तक जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो चाहे किसी भी मतलब स्टेट का हो तो उसको नेशनल एग्जिट टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बट उसके बाद जितने भी हैं स्टूडेंट जिनका नहीं अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है 20 दिसंबर 2023 तक का, तो उनको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। बट फिर भी आने के बाद लोगों में तब भी यही बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे डाउट्स थे कि शायद जो NCCIM वाले हैं वो बच जाएं, टेस्ट ना देना पड़े, या फिर किस बैच से लागू होगा। तो इसमें कोई कन्फर्मेटरी नहीं था, बट आज इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि इस ये किस बैच से लागू होगा और ये कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस वीडियो में उसी के रिगार्डिंग बात करना है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे कि महत्वपूर्ण वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो कि जो नोटिस आया है मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूं। जैसे इन्होंने सब्जेक्ट लिखा है कि जो नेशनल एग्जिट टेस्ट कराए जाएंगे वो ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, कि मतलब जो भी प्रैक्टिस करने वाले हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए। और इन्होंने बहुत सारे नीचे पॉइंट्स भी बना के दिए हुए हैं कि जो 2020 एक्ट आया था नेशनल एग्जिट टेस्ट का, जो भी जितने भी फाइनल ईयर के मेडिकल स्टूडेंट हैं वो आयुष के, उनका एग्जामिनेशन कराना है। तो इनका पहला पॉइंट यही है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑफ ईच डिसिप्लिन सच एज, मतलब नेशनल एग्जिट टेस्ट कराने के लिए उनके एक डिजाइन अथॉरिटी बनाई गई है जो कि हर एक जो आयुर्वेदा हो चाहे यूनानी हो चाहे सिद्धा हो चाहे सोवरिप्पा हो, तो उनके अलग एक बॉडी बनाई गई है। और दूसरा पॉइंट जिसमें यह है कि जो नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा वो हेल्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस प्रैक्टिशनर एज ए मेडिकल। और इसी में एक पॉइंट और भी है कि या तो फिर इनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर एज ए रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि एक साल की कंप्लीट कर चुके होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन के लिए है। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि जो मेनली ये कराने का मतलब क्या है, तो इन्होंने लिखा है द एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स एंड द एबिलिटी टू डील विद द मेडिकल लीगल केसेस एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द डिसिप्लिन आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा एंड सोवरिप्पा एज द केस में भी। मतलब ये जो भी जितने सारे मेडिकल लीगल केसेस होते हैं या फिर वैधानिक वाले जितने भी हैं उनको मजबूत बनाने के लिए ये कराया जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरी इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड अगस्त। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है पूरा फुल टू कि इनका एग्जामिनेशन कब होना है। तो पिछली बार बताया था कि फरवरी और अगस्त में होना है, तो इन्होंने भी इसमें यही लिखा है कि फरवरी और अगस्त में होना है। फिर उन्होंने लिखा कि क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया वही है मतलब 270 days मीन्स 9 months, या तो फिर वो अपनी पूरी इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिए हों। और इसमें भी है कि एक सी पॉइंट है जो फॉरेन नेशनल हुज मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज बीन रिकमेंडेड अंडर सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम कि इसके नेशनल एग्जिट टेस्ट के विदाउट क्वालिफाइंग के क्या होगा। तो उन्होंने लिखा है कि शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट इन स्टेट नेशनल रजिस्टर, मतलब अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप चाहे वो नेशनल रजिस्टर्ड हो या फिर स्टेट, किसी में भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आपको रजिस्टर होना है तो आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि वो 50% क्राइटेरिया रखा गया है। इन्होंने फिर लिखा है कि जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं
या इंटर्न हैं कॉलेज, उनको इस बात को लेकर, इस नोटिस को लेकर उन्हें अवेयर कराएं कि उन्हें नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है और वो अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। तो आशा करता हूं कि आप लोग जो डाउट, जितने सारे डाउट्स थे कि शायद सीसीएम वाले 2020 बैच बच जाए, बट ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, कोई बचने वाला नहीं है, अब सभी को नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। तो आप सभी लोग अब धीरे धीरे अपनी तैयारी स्टार्ट करते कर लें, और मैं भी बहुत जल्दी पेपर होगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।